नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक तीर से कई निशाने साध दिए। वसुंधरा राजे, पुनिया कटारिया और हिम्मत सिंह झाला पर एक साथ तंज कसे। उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए डोटासरा ने कटारिया के पिछले दिनों वायरल हुए ऑडियो को लेकर चुटकी कई बार ली। उन्होंने कहा कि कटारिया खुद ही कह रहे हैं कि वल्लभ नगर से इनका उम्मीदवार यानी कि हिम्मत सिंह झाला सांसद का पार्टनर है, मगर किसमें पार्टनर है ये भी तो बताओ, कोई अवैध धंधा तो नहीं कर रहा है। अडानी के पोर्ट पर ड्रग्स भी पकड़ी गई है, किस बात का पार्टनर है जो इतने पैसे वाला है। सुनिए आप डोटासरा जी क्या कह रहे हैं। तो इसलिए मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ, राजस्थान में जो बीजेपी की स्थिति है ये तो बुरा हाल है। लड़खड़ा गए हैं, टूट गए हैं, मतलब एक तरीके से ढंग से बात ही नहीं कर पा रहे। अब गुलाब चंद जी कटारिया वैसे तो होने को तो नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि मैं फांसी खा के मर जाऊंगा, मेरे कहने से कोई टिकट नहीं मिल रही है। वो एमपी का पार्टनर है, धंधे का वो टिकट लेकर के आ रहा है। अरे भाई, किस में पार्टनर है ये तो बताओ, कोई अवैध धंधा तो नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ अडानी के पोर्ट के ऊपर ड्रग्स भी पकड़ी गई हैं, तो कहीं ऐसे कोई धंधे तो वो लोग नहीं कर रहे हैं, इसको भी हमको देखना पड़ेगा। ऐसे ऐसे लोग किस बात का पार्टनर है जो इतने पैसे वाला है, और गुलाब चंद कटारिया जैसे सीनियर आदमी, 7 बार का एमएलए, नेता प्रतिपक्ष, उसको एक टिकट के लिए मेवाड़ में नहीं पूछा गया। आप बताइए, जो गौतम लाल मीणा जी स्वर्गवासी हो गए, उनके बेटे 2 बार प्रधान बन गया और उस बीजेपी ने उसको भी टिकट नहीं दी, और उसमें भी कह रहे नहीं चले। जो वहाँ पर जो पितलिया को टिकट दिलाना चाह रहे थे ये लोग, बाग पितलिया को नहीं मिली तो क्या अमित शाह जी रगड़ के रख देंगे, वापस फॉर्म उठा लो, तो वहाँ भी टिकट अपने हिसाब से। गुलाब चंद कटारिया जी यहाँ चाहते नहीं थे उनकी किरण महेश्वरी जी की लड़की को, वहाँ पर उनको टिकट दी, तो गुलाब चंद कटारिया जी की हैसियत क्या रहेगी इस भारतीय जनता पार्टी में, ये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। वो किस तरीके से बयान क्यों दे रहे हैं, क्यों इस बीजेपी में क्या ले रहे हैं, जब 3 टिकटें बटी, तीनों में उनको कोई पूछा नहीं गया, तो आज क्या बोल करके वो जनता के बीच में जाएंगे कि आप वोट दीजिए भाजपा को। अनर्गल बयानबाजी के अलावा इनके पास में कुछ बचा नहीं है। वसुंधरा राजे जी का क्या हाल बना रखा है इन्होंने, आप देखिए, वो भिंडर साहब को टिकट दिलाना चाहती थी, कहाँ है भिंडर साहब, भिंडर साहब निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो या तो वसुंधरा राजे जी से जवाब मांगा जाना चाहिए कि 1 महीने पहले आपने लंच कराया था, डिनर कराया था, और आपका आदमी निर्दलीय क्यों लड़ गया, या फिर उनकी उस दिन टिकट तय हो गई थी तो किस व्यक्ति ने उनकी टिकट कटवाई, और ये नया खिलाड़ी कहाँ से कैसे मैनेज होकर के आया, कैसे कहाँ से आया। लोग बात जो बातें कर रहे हैं कि साहब बहुत पैसे वाला है, तो क्या यहाँ की वल्लभ नगर की जनता को खरीदना चाहते हैं क्या पैसे से। तो मैं समझना चाहता हूँ कि लोग किस बात का वोट दें, भारतीय जनता पार्टी को किस बात के लिए वोट दें। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है, बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।